सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 68। यह है एक ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AC और एक भुजा E दी हुई है। ये भी हमारा समकोण है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी तरह से समकोण है। हमने यहाँ पे एक कर्ण लेना है AC, कर्ण ले लेते AC हमारा कर्ण है AC और एक हमें दे रखा है इसकी भुजा दी हुई है E, तो हम एक भुजा ले लेते हैं E ये हमारी भुजा है E हमें दे रखी है। हमने ऐसी कर्ण के बराबर जो है वो एक कर्ण लेना है ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की रेखा ले लेते हैं। प्रकार से भी नाप सकते हैं, आप फुट्टे से भी आप इसके बराबर रेखा ले सकते हैं। ये हमारा है ए सी। हमने क्या करना है, ए सी जो हमारा कर्ण दिया हुआ है इसका हमने समद्विभाजन करना है। सबसे पहले हमने सी से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगानी है और फिर उतनी प्रकार खोल के हमने ए से भी लगानी है इस तरह से। जहां पे ये चापे आपस में कटेगी इनको हमें मिला देना है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। और हम क्या करेंगे, ये जो जहां पे ये संधिभाजन हो रहा है ना, ये पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे O। आपने क्या करना है, O पॉइंट पर प्रकार खो और A जितनी प्रकार खोलो या C जितनी प्रकार खोल के यहां से हमने एक अर्धवृत्त बनाना है। यदि समकोण पूछा है तो समकोण जो है वो अर्धवृत्त में कहीं पे भी बन सकता है, किसी भी पॉइंट पर बन सकता है। आप एंगल से बनाओ जैसे हमने लास्ट प्रश्न में पढ़ा था, या भुजा से बनाओ जैसे इसमें भुजा दे रखी है, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। आपको हाइट दी होती है, अगले में हाइट दी हुई मैं उससे भी आपको बना के बता दूंगा। ये ऊंचाई दे रखी है, अब यहाँ पे मैं ऊंचाई इसको काट रहा हूँ, ये जहाँ कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया बी। अब हमने क्या करना है, सी और बी को आपस में मिला देना है यहाँ से इस तरह से, और सी और ए को भी हमने डार्क कर देना है यहाँ से, और ए और बी को भी हमने जो है वो डार्क अब मिला देना है यहाँ से इस तरह से। और ये जो हमारी त्रिभुज है बन के तैयार हो गई है। ये जो भुजा आपकी है ये है ई भुजा। ये हमारा है 68 प्रश्न, ये बन के तैयार हो। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 69। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी और ऊंचाई एच दी हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें भी कर्ण दिया हुआ है पर इसमें कोण नहीं दिया हुआ, ना भुजा दे रखी है, इसमें ऊंचाई दी हुई है। सबसे पहले हमने एक कर्ण ले लेना है ए सी। आप ये देख सकते हैं ये हमारा कर्ण है ए सी, ए सी, और एक ऊंचाई दे रखी है एच। हम ऊंचाई ले लेते हैं एच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एच। हमारे पास जो ये दे रखा है सी ए सी, तो हम इतनी पर जो है वो प्रकार खोलेंगे, आप यहाँ से फुट्टे से बना सकते हैं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर के लगभग है लाइन है, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी 5 सेंटीमीटर लाइन आ चुकी है। हमने क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है जैसे हमने अभी तक किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से
इस तरह से इस रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। इस तरह से ये जो रेखा है ये हमारी है ए डी, ये हमारी है ए और बी हमें रेखा दे रखी है, ए कर्ण हमारा है ये एक्चुअल में, और ऊंचाई हमें दी हुई है एच। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने समद्विभाजन किया है इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और पहला जो हमारा कार्य है वो ये है कि हमने यहाँ से एक डित लगाना है, ये आपका ओ पॉइंट आ गया है, और अब हमने ओ पॉइंट पे ए जितनी प्रकार खोल के यहाँ से हमने एक अर्धवृत्त लगाना है। इस तरह से ये हमारी ऊंचाई है h, हमने h जितने प्रकार खोलनी है, और a से यहाँ पे हमने चाप लगा देनी है, और b से भी हमने यहाँ पे चाप लगा देनी है। इस तरह से चाप पे हम लगाएंगे और इन चापों को हम जो है वो ऊपर से मिला देते हैं इस तरह से, हम इनको डॉटेड मिला देंगे ऊपर से इस तरह से, और इस रेखा का हम नाम दे देते हैं ई और एफ। अब ये जो है परिधि को दो जगह से काट रहे, एक यहाँ और एक यहाँ पे, यहाँ पे हम नाम देते हैं सी, यहाँ पे हम नाम दे देंगे डी। अब आप चाहे सी से मिलाओ चाहे डी से मिलाओ, हमने डार्क जो मिलाना है वो बी सी और सी ए को हमने डार्क मिलाना है यहाँ से, और एक इसमें और त्रिभुज बन सकती है, यदि आप चाहो तो बी और डी को आप डॉटेड मिला सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और ए और डी को भी आप यहाँ से एक, ये भी आपकी एक त्रिभुज बन सकती है यहाँ से इस तरह से। तो आप कहीं से भी चाहो इसको हाइट के अनुसार जो है वो यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं ये आपका प्रश्न जो है बन के तैयार हो गया है। ये जो आपकी ऊंचाई बनी है ना, ये आपकी यहाँ पे बनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी त्रिभुज की ऊंचाई आ चुकी है क्योंकि ये हमें दे रखी थी। ये आपका है एच, ये प्रश्न आपका है 69, ये आपका बन के तैयार।